पूरे देश भर में 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां हर बार की तरह राजपथ पर देश की सेना शक्ति ने अपना शानदार प्रदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस बार 73वें गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को चुना गया। राज्यों की झांकियों के अलावा मंत्रालय और विभागों से जुड़ी अन्य 9 झांकियां भी चुनी गई, जहां मेघालय की झांकी में एक महिला को बांस की टोकरियां और राज्य के कई बांस और बेंत के उत्पाद बने हुए दिखाया गया। गुजरात की झांकी ने गुजरात के आदिवासी आंदोलन की थीम को प्रदर्शित किया। उत्तराखंड की झांकी में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, डोबरा चंटी ब्रिज और बद्रीनाथ मंदिर को दर्शाया गया। गोवा की झांकी ने गोवन विरासत के प्रतीक विषय पर प्रदर्शन किया। खेल में नंबर 1 थीम के साथ हरियाणा की झांकी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को मिले 7 पदकों में से हरियाणा ने 4 पदक हासिल की। इसी तरह पैरालंपिक 2020 में देश ने जीते 19 पदकों में से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 6 पदक हासिल किए। वहीं बाज फॉर्मेशन का कॉकपिट व्यू शानदार नज़ारा देखा गया। एक राफेल, 2 जगुआर, 2 मिग 29 यूपीजी, 2 सुखोई 30 एमआई विमान सहित 7 एयरक्राफ्ट एरोहेड फॉर्मेशन 300 मीटर एओएल पर उड़ान भरते नजर आए। हर बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी का लुक चर्चा में रहा, जहां पीएम मोदी शॉल और टोपी पहने नजर आए। जहां उनका शॉल मणिपुर का बताया जा रहा है, तो वहीं उनकी टोपी उत्तराखंड की बताई जा रही है, जहां उनकी टोपी पर लगा उत्तराखंड का राज्य फूल ब्रह्मा कमल है। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में भी गणतंत्र दिवस अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का जो साया है वो राजकीय समारोह पर भी छाया रहा। जोधपुर के प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने विधिवत रूप से राजकीय उम्मेद स्टेडियम में ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली और जिस तरीके से संबोधित करते हुए लोकतंत्र के साथ साथ संविधान की रक्षा का भी संकल्प दिलाया। तो वहीं दूसरी ओर उसके बाद वे कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद में उन्होंने ध्वजारोहण किया और यहां भी उन्होंने संविधान की रक्षा की बात कही। यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस उपस्थित रहे। उसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खतरे के चलते जोधपुर के सर्किट हाउस में एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें जिला प्रशासन के अलावा पुलिस प्रशासन, जेडीए नगर निगम प्रशासन के अलावा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अधिकारियों ने भी शिरकत की। उनसे साफ तौर पर डिस्कस करके यही कहा गया कि हर हाल में सावधानी बरती जाए और मरीजों के लिए जितना भी किया जा सकता है वो करें, साथ ही वैक्सीनेशन 100% करने के लिए भी निर्देश दिए गए। यही नहीं, गांव में जागरूकता फैलाने के साथ साथ में सभी को पूरी तरह से हमेशा मुस्तैद रहने के भी संकेत और संदेश दिए गए। कोरोना के साए के बीच करणी सिंह स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान कई विशेषता लिए हुए हैं। अधिकार और कर्तव्य के साथ साथ भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और समाजवाद की बात करता है। सर्वधर्म समभाव भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। हम सब नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान की पालना करते हुए हम बेहतर तरीके से देश के लिए काम करें। बी डी कल्ला ने इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले कार्मिकों को भी पुरस्कृत किया। हालांकि पुरस्कार सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थल की बजाय इस बार रविंद्र रंगमंच पर रखा गया। आरएस ऑफिसर शारदा चौधरी, तहसीलदार कालूलाल, कलेक्ट्रेट के आशानंद कल्ला सहित कई कार्मिकों को बेहतर काम के लिए पुरस्कृत किया गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त नीरज पवन, आईजी ओम प्रकाश, कलेक्टर भगवती प्रसाद, शिक्षा निदेशक कानाराम, एसपी योगेश यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए। योग का प्रदर्शन किया गया तो साथ ही साथ आरएसी के जवान ने बाइक पर हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। अजमेर संभाग के अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर में प्रभारी मंत्रियों ने किया झंडारोहण और परेड के लिए सलामी। नागौर जिले की 52 प्रतिभाओं, जिसमें अधिकारी, कार्मिक, खिलाड़ी, समाज सेवा से जुड़े लोगों को प्रशंसा पत्र देकर प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने किया सम्मानित। मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि कोविड-19 के कारण आम जन का जीवन व्यवसाय प्रभावित रहा,
सरकार ने आम जनता की पीड़ा को समझते हुए हर वो कार्य किया जिससे आम जन को राहत मिल सके। सरकार की ओर से टीकाकरण कराने की अपील भी प्रभारी मंत्री की ओर से अपने संबोधन में कही है। वहीं जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रभारी मंत्री ने झंडारोहण किया। वहीं नागौर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण किया और कार्मिकों को बधाई दी। साथ ही कलेक्ट्रेट से नागौर स्टेडियम तक साइकिल रैली निकालकर टोपी बैनर तख्तियों के माध्यम से कोविड 19 के प्रति जागरूकता बचाव पर्यावरण स्वास्थ्य राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दिया गया। नागौर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव का कहना है कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। धूमधाम से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। भरतपुर पुलिस परेड ग्राउंड में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किया झंडारोहण। गणतंत्र दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। एडीएम बीना मावन ने राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इस मौके पर 22 वीरांगनाओं का सम्मान किया तो वहीं 36 उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों का सम्मान किया। वहीं पहली बार बनी उज्जैन नगर पालिका और पंचायत समिति में विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने झंडारोहण किया। वहीं पंचायत समिति में प्रधान हिमांशु अवाना के द्वारा झंडारोहण किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कोरोना की वैक्सीन लगाने की लोगों से अपील भी की गई। समारोह में संभागीय आयुक्त पीसी बैरवाल, आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी देवेंद्र बिश्नोई, नगर निगम आयुक्त कमलराम मीणा, एसडीएम देवेंद्र परमार सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।